हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के द्वारा अभी अभी जो टर्म वाइज सिलेबस इशू किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए क्लास टेंथ के 2021-22 के एग्जामिनेशन के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो टर्म वन और टर्म टू इन दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस है। जो टर्म वन में आएगा वो टर्म टू में नहीं होगा, और टर्म वन में बेसिकली जो है आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और टर्म टू जो होगा वो भी आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और जहाँ तक सीबीएसई ने पहले रिलीज़ किया था कि टर्म वन जो है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, और टर्म टू जो है वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो अब इससे ये भी हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से लेसन्स आपके डिलीट हुए हैं, कौन कौन से लेसन्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टर्म वन की। टर्म वन में देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रीडिंग सेक्शन। इस रीडिंग सेक्शन में दो पैसेज होंगे। पहला पैसेज 400 से 450 वर्ड्स का होगा, और दूसरा क्वेश्चन 300 से 350 वर्ड्स का होगा। ये केस बेस्ड पैसेज होगा। पहला पैसेज जो नॉर्मल पैसेज आता है, फैक्चुअल पैसेज या किसी प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाएगा, और जो दूसरा पैसेज है वो फैक्चुअल पैसेज है लेकिन केस बेस्ड है। यानी केस बेस्ड का मतलब है जिसमें कोई चार्ट वगैरह दिया हुआ होगा, कोई डेटा वगैरह दिया होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा। तो ये है आपके रीडिंग सेक्शन के पहले दो पैसेज। उसके बाद राइटिंग स्किल्स में आते हैं। राइटिंग स्किल्स में आपके फॉर्मल लेटर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें एडिटोरियल लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। एक तो ऑफिशियल जो कंप्लेंट की जाती है, और किसी तरह से बिजनेस में कोई किसी तरह की कंप्लेंट है एक पार्टी को दूसरी पार्टी से, तो उस तरह का भी लेटर इंक्लूड किया गया है। और ग्रामर में आपके टेंसेज इंक्लूड हैं, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, इनको इंक्लूड किया गया है। लिटरेचर सेक्शन में कौन कौन से लेसन्स इंक्लूड किए गए हैं? अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2। ये फर्स्ट फ्लाइट के ये लेसन्स आपके टर्म वन में पूछे जाएंगे। और पोएम्स, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, ये आपको इसमें से पोएम्स पूछी जाएंगी फर्स्ट फ्लाइट में टर्म वन में। और आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसके अंदर तीन लेसन्स आपके पूछे जाएंगे, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अगर आपको इन लेसन्स की लाइन टू लाइन अगर एक्सप्लेनेशन या फिर हिंदी समरी, शॉर्ट हिंदी समरी अगर आपको पढ़नी है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप इन लेसन्स की स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए टर्म टू, टर्म टू में भी आपके रीडिंग में दो ही पैसेज होंगे। एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा, एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। जैसे टर्म वन में है वैसा ही टर्म टू में है, लेकिन टर्म वन में जहां लेटर्स थे फॉर्मल लेटर्स, यहां पर फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स बदल गए हैं। वहां पर कंप्लेंट लेटर था, लेकिन यहां पर ऑर्डर का लेटर है, इंक्वायरी का लेटर है। यानी कोई चीज़ आपको मंगानी है, उसके लिए आप जो कोई लेटर लिखते हैं उसे हम ऑर्डर वाला लेटर कहते हैं, और एक लेटर ऑफ इंक्वायरी यानी किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। और दूसरा जो क्वेश्चन है एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एट्सेट्रा। यानी कोई आपको एक चार्ट दिया हुआ होगा, उस चार्ट को कंपेयर करके उसके बेस पर उस चार्ट के जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करके एक पैराग्राफ के रूप में लिखना होता है, वो एनालिटिकल पैराग्राफ कहलाता है। ग्रामर में आपके वही टेंसेस इंक्लूड हैं जो टर्म वन में भी इंक्लूड हैं, मॉडल्स भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी इंक्लूड है, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, सेम चीज़ें वापस इसमें टर्म टू में भी पूछी जा रही हैं। लिटरेचर में आपके जो लेसन्स आने वाले हैं वो हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमोन एट बनारस, द प्रपोजल, ये आपके प्ले है। और पोएम्स में ये अमंदा और एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, ये आपके लेसन्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है टर्म टू के अंदर। तो अब इसमें हर सेमेस्टर के बारे में बताया गया है कि रीडिंग आपके 10 नंबर का होने वाला है। यानी 5 नंबर का एक पैसेज होगा, 5 नंबर का दूसरा पैसेज होगा। राइटिंग और ग्रामर भी आपके 10 नंबर का होने वाला है। लिटरेचर 20 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल आपके बन जाते हैं 40 नंबर। और इंटरनल असेसमेंट के आपके 10 नंबर होंगे हर सेमेस्टर के अंदर। यानी इंटरनल असेसमेंट में आपको ASL से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। इस तरह से टर्म वन भी 50 मार्क्स का हो गया और टर्म टू भी आपके 50 मार्क्स का हो गया। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन तो आपके केवल 40-40 नंबर के होंगे, यानी टोटल 80 नंबर के होंगे, और बाकी बचे हुए 20 मार्क्स जो हैं वो आपके
इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें ASL भी हो सकता है, जिसमें प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके ये CBSE ने टर्म वन और टर्म टू के लिए अलग अलग सिलेबस डिज़ाइन किया है एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए। अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। हमारे चैनल का नाम है DK English पाठशाला। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।